नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। झांसी के सीपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भोजला मंडी के पास पॉल कॉलोनी में कुछ लोगों के द्वारा एक किसान को रोककर उसे 11,000 रुपए छीन लिए गए। ये लोग अपने आप को बैंक रिकवरी एजेंट बता रहे थे। जिस किसान के साथ ये घटना घटित हुई उसने पहले भोजला मंडी में इसकी शिकायत की। उसके बाद जब किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई तो इसमें वरिष्ठ अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की है कि जिन लोगों ने इससे 11,000 रुपए छीने हैं वो अपने आप को रिकवरी एजेंट बता रहे थे। इन लोगों ने 11,000 लूटने के बाद ना तो कोई रसीद दी ना ही किसी तरीके का कोई रिसिप्ट दिया। साथ ही कहा कि उनकी गाड़ी को भी इन लोगों ने पॉल कॉलोनी स्थित यार्ड में जमा कर ली है। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बाबरिया गैंग के शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इस शातिर चोर ने अपने जीजा, साले, सगे भाइयों के साथ मिलकर ये गैंग बनाया था, जहां ये लोग धौलपुर से आगरा आकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल गैंग के 2 सदस्य फरार चल रहे हैं, वहीं एक पहले जेल जा चुका है। साथ ही पुलिस ने कई घटनाओं का खुलासा करते हुए लाखों के आभूषण बरामद किए हैं। ये लोग बंद पड़े मकानों की रेकी के बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए ये लोग बस से ट्रेवल करते थे। मलपुरा पुलिस सर्विलांस की टीम ने मामले का खुलासा किया है। ये चोरी की इधर बढ़ती हुई घटनाओं को देख करके चोरी की अलग से टीमें लगाई गई थी। इस पर मलपुरा जो पुलिस की जो टीम लगी थी वो 3 घटनाओं का खुलासा कर रही है। आगरा जगनेर मार्ग से आज गिरफ्तार किया गया अभियुक्त कल्याण पुत्र राम सिंह, निवासी धौलपुर, थाना जिला धौलपुर, राजस्थान से। 3 चोरियां हैं, एक 11-10 को हुई थी थाना मलपुरा में, एक 18-10 को हुई थी और एक और हुई थी, एक मोटरसाइकिल चोरी भी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में मिशन शक्ति और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, जहां एक तरफा प्यार में पागल युवक ने किशोरी और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी है। युवक की धमकी के डर से नाबालिग किशोरी ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। साथ ही नाबालिग किशोरी ने युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के हटवा गांव का है, जहां की रहने वाली नाबालिग किशोरी क्षेत्र में स्थित महात्मा इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की छात्रा है। किशोरी का कहना है कि क्षेत्र के गांव नाजनपुर का एक युवक अजय कुमार यादव पुत्र रामहर्ष यादव काफ़ी समय से उसे परेशान कर रहा है और कॉलेज आते जाते रास्ते में दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। यही नहीं, वो शादी के लिए जबरन दबाव बना रहा है और धमकी देता है कि यदि उसके साथ शादी नहीं की तो उसके परिवार और उसको मार डालेगा। किशोरी का आरोप है कि युवक के साथ ही उसके घर पहुंचकर उस पर हमला भी कर चुके हैं। किशोरी का भाई शहर में रहता है, उसको फ़ोन कर युवक अक्सर धमकी देता रहता है। युवक की हरकत से परेशान होकर किशोरी ने धमकी देने वाले आरोपी अजय यादव और उसके 2 साथियों को नामजद करते हुए उचहार कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली आदर्श कुमार सिंह ने बताया है कि सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। अमेठी में आज से अग्निवीर सेना भर्ती रैली शुरू हो गई है, जिसको लेकर अमेठी जिला प्रशासन और सेना प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि अग्निवीर बनने के लिए 13 जिलों के अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे। जिले में 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक भर्ती रैली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन हो रहा है। वहीं ठंड को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए 4 रैन बसेरे बनाए गए हैं। रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ठंड से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले हफ्ते उत्तर भारत में पारा सामान्य से नीचे जा सकता है। इसी के मद्देनज़र रायबरेली जिला प्रशासन ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर ली है। जिले भर में जहां अलाव और रैन बसेरों का जाल बिछाया गया है, वहीं सभी तहसीलों को कंबल के लिए बजट जारी हो गया है। शहरी और तहसील इलाके के अस्पताल, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन समेत कुल 14 स्थानों पर रैन बसेरे बना दिए गए हैं, जबकि जिले भर में 70 अलाव जल रहे हैं, जिनका सत्यापन भी किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन जहां गरीबों के लिए ठंड से बचाव को लेकर सजग है, वहीं समाजसेवी संस्थाएं अभी तक आगे नहीं आई हैं।
श्रावस्ती में बीते देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क किनारे पानी से भरे गहरी खाई में ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार में फंसे एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस कर्मियों के अथक प्रयास से एक व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कोतवाली भिनगा के तिलकपुर के पास की है। देर रात श्रावस्ती में थाना भिनगा के अंतर्गत भंगा मोड़ के पास PRV 1942 मौजूद थी, तभी उसने देखा कि एक ऑल्टो गाड़ी जो है नहर में चली गई है। तत्काल PRV द्वारा सूचना दी गई और अग्रिम कार्रवाई करते हुए सभी लोग वहां पहुंचे। फायर ब्रिगेड से, चौकी से, थाने से सारे लोग पहुंच गए और गाड़ी में तत्काल कांस्टेबल सुरेंद्र जो है उसने नहर से उसमें देखा कि दो लोग जो हैं जीवन लाल एक थे और दूसरा शिव कुमार की डेथ हो गई है। जीवन लाल को अभी अस्पताल लाया गया है और इनके ये दोनों भंगा क्षेत्र के रहने वाले थे। थाना भिनगा में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज में जमीनी मामले की तारीख देखने आई महिला बेहोश होकर गिर गई। महिला सदर तहसील में तहसीलदार के पास तारीख देखने आई थी, अचानक तबीयत बिगड़ने पर जमीन पर गिर पड़ी। वहीं लोगों ने एम्बुलेंस बुलवा कर महिला को अस्पताल भिजवाया। महिला का इलाज जिला संयुक्त अस्पताल में चल रहा है। महिला घुघोली थाना क्षेत्र के बेलवा टिकर की रहने वाली है। मामला महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित सदर तहसील का है। बदायूं शहर के मोहल्ला टिकटगंज में सालों पुराना नरसिंह भगवान का मंदिर है। किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण करने से पहले ट्रस्ट द्वारा पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन से अनुमति ली जाती है, लेकिन खास बात यह है कि कुछ दबंगों द्वारा बिना अनुमति के इसे तुड़वा कर दुकान का निर्माण करवाया जा रहा है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर शीघ्र निर्माण रोकवाने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाराबंकी जिले में भारतीय किसान के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा का एक अधिकार विषय को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली। भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक किया और तख्ती पर लिखे शिक्षा से संबंधित नारे लगाए। इस दौरान किसान नेता आशु चौधरी ने कहा कि आज SDM को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मांग रखी गई है कि RTA के तहत निजी विद्यालयों में फ्री पढ़ने वाले गरीब बच्चों का नाम और उनके अभिभावकों को का फोन नंबर स्कूल के बाहर बोर्ड में लिखाया जाए, जिससे यह जानकारी हो सके कि RTA के तहत पढ़ने वाले बच्चे वास्तव में जरूरतमंद हैं, क्योंकि इस अधिकार के तहत स्कूल के टीचर और बड़े लोगों के बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। हम सबको मालूम है कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा हमारे देश का विकास नहीं होगा, और अशिक्षा हमारे समाज के लिए एक श्राप है। अशिक्षित व्यक्ति ही गलत रास्तों पर जाता है। तो हमने देखा कि RTE राइट टू एजुकेशन के तहत भारत सरकार पूरे भारत देश में कमजोर गरीब आय वर्ग के बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही है। अभी अपने प्रदेश में हाल ही में योगी सरकार ने 268 करोड़ रुपए बजट दिया है, इससे पहले 181 करोड़। और खुशी की बात है कि इस बार लगभग 4.25 लाख बच्चों का एडमिशन हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज भी हमारे पूरे प्रदेश में जो निजी विद्यालय हैं इनकी संख्या निर्धारित नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो गलत हैं। आज भी कई हजारों विद्यालय अपने आप को सरकारी पोर्टल पर बंद दिखा रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं। पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कहा जा रहा है कि नील गाय जंगल से भटक कर बाजार में पहुंच गया। वहीं लोगों के सूझबूझ के साथ नील गाय को खदेड़ कर लोगों ने बाहर निकाला। नील गाय ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मौके पर मौजूद लोगों ने नील गाय के पहुंचने का वीडियो भी बनाया। मामला सहावर कस्बे के मुख्य बाजार का है। हरिद्वार के बहादराबाद टोल के पास नोएडा से आए कुछ युवकों को अपनी गाड़ी से स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। दरअसल हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा के पास नोएडा से आए कुछ युवक द्वारा अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में हूटर बजाया जा रहा था और अनियंत्रित होकर गाड़ी को चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, गाड़ी के नंबर प्लेट से भी छेड़खानी युवक द्वारा की गई, जिसके बाद हरिद्वार के बहादराबाद पुलिस द्वारा युवकों की गाड़ी को रोका गया और गाड़ी की तलाशी ली गई।
कागजात देखे गए। इसके बाद पता चला कि युवकों ने गाड़ी को कलर का में भी बदलाव कर रखा है। नंबर के छेड़छाड़ के साथ साथ गाड़ी के शीशे भी कलर कर रखे हैं। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को सीज किया और युवकों के चलान पर कार्रवाई की गई। इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार ने स्कूल छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग और अभिभावक वर्ग को संबोधित भी किया। सहारनपुर के पाइनवुड स्कूल आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल निदेशक संतोष गुप्ता और प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव जैन ने बुके देकर डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार का हार्दिक अभिनंदन कर दीप प्रज्वल भी किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार ने छात्रवर्ग, शिक्षक वर्ग और अभिभावक वर्ग को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि को जागृत करते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। पाइनवुड विद्यालय के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मैं डॉक्टर संजीव जैन, प्रिंसिपल पाइनवुड स्कूल। आज स्कूल में डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार को हमने इनवाइट किया था कि बच्चों को स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसरो के बारे में बताएं और बच्चों में स्पेस के बारे में एक विजन आए और बच्चे इस कोर्स को, इस तरफ भी अपना कोर्सेज को लें। तो डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार का सेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने बच्चों के जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे उन सब के बारे में जवाब दिया, बताया। दे कुड अंडरस्टैंड वेल व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज इन स्पेस, और काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।